बेटा आप ठीक तो हो ना? आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है हम सब यहाँ कितने परेशान हो गए थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी, आपको पता है? पापा घर आ गया था, कद्दू वाली आंटी को इतना बड़ा कि मैं खुद ही थक गया, इसलिए घर आके सो गया था। आपका लाख लाख शुक्रिया हनुमान, बिल्कुल बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ गया। अच्छा बेटा, अगर आप घर पर ही थे तो हम सब जो जोर जोर से आपका नाम चिल्ला रहे थे तो आप आई क्यों? कीर्ति, ये कौन सा तरीका है बच्चे से बात करने? तुम जानती हो ना बच्चे की नींद कितनी पक्की होती है, हो सकता है उसने सुना ना। हाँ वरुण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर किसी ने इनके कमरे में जाके देखा भी तो नहीं ना। सबको जितने भी बुरे ख्याल आ रहे थे अब सब खत्म, क्योंकि हमारा हनुमत वापस आ गया है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, उसे आपके पास में भेजना ही नहीं चाहिए। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद से कभी नजर नहीं मिला पाता। तनुजा जी, इतना छोटा बच्चा खुद अपने आप घर आ गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, भगवान का आशीर्वाद है। कुछ बेटा, अब आप अपने कमरे में जाओ, मैं आपसे थोड़ी देर में आके मिलती हूँ। अरे अरे, हमारे प्यारे से लड्डूराम, हम आपको भूखा कैसे रहने दे सकते? आपको लड्डू बहुत पसंद है ना, आपके लिए बहुत सारे लड्डू लेकर आते हैं। आप वजी खिलाइए खिलाइए, घर का सारा राजमिस्त्री ये तो लेकर आए हैं हम लोग, क्योंकि पंडित जी का दुख से पता है नहीं वो कब आएंगे, इसे कब लेकर जाएंगे, दो दिन के मेहमान थे। ये तो कीर्ति तुमने एकदम सही बात बोली, कुछ मेहमान है यहाँ जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते, कितने मर्जी धक्के मार लो उन्हें बट मजा लग इधर से मस्त हो जाए, है ना कीर्ति? हाँ बेटा, तुम मेरे साथ बेटा, आप मेरे साथ।